चेतना जब चिंतन पर प्रभावी तौर से संबद्ध होती है और आस्था कर्मठता के साथ विश्वास पर खरी उतरती है, तो निश्चित तौर पर ऐसे महान चरित्र उभरते हैं जो कालजयी होते हैं। राम को या राम के रामत्व को समझने वाले, राम में मन चित्त बुद्धि से स्थिर रहने वाले श्री हनुमान जी के आदर्श चरित्र को हम सब मनुष्यों के बीच एक उपस्थित भाव में समझना और उनसे अपने जीवन कल्याण के लिए औषधि स्वरूप बहुत सारे गुणों को धारण करने की श्रृंखला श्री हनुमान जीवन से जीवन की सीख के स्वरूप में चिंतन योग्य है। आज हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर आगामी अंकों के साथ श्री हनुमान के जीवन के अनेकों स्वरूपों, उनके चरित्र और उनके चिंतन से अपने लिए शिक्षाएं लेने का क्रम जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए श्री हनुमान के जीवन के इस मंगलकारी दिवस पर श्री हनुमान हम सबको बुद्धि कौशल दें, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेने की क्षमता दें और ऐसी कृपा रखें जिसमें हम अपने स्थिर चित्त बुद्धि और मन से सकारात्मकता के साथ सोच पाएं। श्री हनुमान जीवन से जीवन की सीख श्रृंखला के द्वारा मैं डॉक्टर अमित तिवारी शून्य आप सबको सप्रेम श्री हनुमान जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यह दिन हम सब के लिए मंगलकारी हो। ईश्वर हमें बहुत अच्छा दिग्दर्शन दें और सकारात्मकता हमारे जीवन में आए। श्री हनुमान के जीवन से निर्णय लेने के जो प्रबंधकीय गुण हैं वह हर क्षण के द्वारा सीखे जा सकते हैं। जीवन में सांतत्यता के दौर में बदलती परिस्थितियों में जो कुछ निर्णय लिए जाने चाहिए उनको हमें आत्मसात करना चाहिए ताकि जीवन सरलता से आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः श्री हनुमान जयंती की आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सादर जय श्री राम। अतुलित बलधामम हैम शैलावधिहम धनुजवन कृशानम ज्ञाननामाग्रगण्यम सकलगुण निधानम वानराणामधीरम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हृदय से आभार। जय श्री राम। जय हनुमान। शुभकामनाएं।